नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच सीबीआई और एनसीबी दूसरी तरफ ड्रग्स की जांच कर रही है, उसके बाद तमाम लोगों की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अब इस कड़ी में एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक बड़ा झूठ बोला गया देश की सीबीआई के साथ, झूठ बोला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने और झूठ बोला गया देश के 130 करोड़ लोगों से, जब रिया चक्रवर्ती ने यह कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत से 8 तारीख को आखिरी बार मिली थी। लेकिन अब इस कड़ी में एक बड़ा खुलासा किया है मुंबई के एक वकील ने, और यह कहा है कि 13 जून की रात को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी। सुशांत सिंह राजपूत उसको उसके घर भी छोड़ने गए थे, और ये खुलासा होने के बाद अब रिया चक्रवर्ती के सारे बयान आपको झूठे नजर आएंगे। और वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है, ऐसा क्या है कि रिया उसको छुपाना चाहती है, उसका वकील सतीश मान शिंदे उसको छुपा रहा है और उसको बचाने में लगे हुए आज तक, और NDTV जैसे चैनल भी उसको छुपा रहे थे। ये वो वजह है जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। इसके साथ उस वकील ने यह भी दावा किया कि उससे पहले महाराष्ट्र के एक मंत्री का जन्मदिन मनाया गया, उसकी पार्टी हुई, और वो मंत्री जिसका 13 जून को जन्मदिन था वही इस पूरे मामले में सबसे बड़ा संदिग्ध भी है। इसको लेकर नीतीश राणे पहले ही बयान दे चुके हैं, और इस वकील का खुलासा होने के बाद उस मंत्री की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। वैसे इस मंत्री को प्यार से लोग बेबी पेंगुइन भी कहते हैं, ये भी एक ओपन सीक्रेट है। तो इस मंत्री का नाम क्या है वो कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। 13 जून को बर्थडे मनाया गया, उस बर्थडे की पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि उसके अगले दिन सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए, और उसके बाद मुंबई पुलिस ने पूरे मामले को आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह को बुलाया गया और उनसे एक बयान पर हस्ताक्षर करा लिए गए, जिसमें मराठी में लिखा हुआ था कि मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली है और मैं इस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं। यानी कि वो आत्महत्या की बात को स्वीकारते हुए लग रहे थे, और इस बात को बाद में भुनाने की कोशिश की थी आज तक चैनल ने। आज तक ने अपनी वेबसाइट के थ्रू और चैनल के थ्रू ये कहने की कोशिश की थी कि सुशांत के पिता ने मान लिया था कि उनके बेटे ने आत्महत्या की है, लेकिन वास्तव में जब के सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि मराठी में उस पूरे के पूरे बयान में क्या लिखा हुआ था, मुंबई पुलिस ने हमसे सिर्फ हस्ताक्षर कराए थे। यानी कि यहां भी एक साजिश की बू आती है, एक साजिश रिया चक्रवर्ती रचती है, दूसरी साजिश मुंबई पुलिस रचता है, और उसके बाद एक और बड़ी साजिश वो मंत्री रचता है जिसका 13 तारीख को जन्मदिन मनाया गया, और उस जन्मदिन की पार्टी में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। इससे पहले दिशा सालियान की जो मौत हुई थी उससे पहले भी एक पार्टी चल रही थी, और उस पार्टी के बाद में दिशा सालियान की मौत हो गई। कहा यह गया कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन जिस तरीके से दिशा सालियान की जो मृत देह थी उस बिल्डिंग से काफी दूर जाकर मिली थी, और तमाम जो चश्मदीद वहां थे उनके जो बयान हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की थी और ना ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, फिर मुंबई पुलिस क्यों इन दोनों मौतों को आत्महत्या घोषित करके इन मामलों की लीपापोती करने पर तुली हुई थी। इस बात को लेकर विवेकानंद गुप्ता, जो वकील है पेशे से और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने दावा किया है कि वो सारा सच सीबीआई के सामने जाकर बताएंगे। सीबीआई उन्हें गवाही के लिए बुलाती है तो वो इस पूरे मामले की डिटेल उनको सौंप देंगे, लेकिन मुंबई पुलिस को कोई भी किसी तरीके की जानकारी वो नहीं देने वाले हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो कोर्ट में भी गवाही देने को तैयार है, तो अगर ये गवाही देने को तैयार है और ये सच है तो निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती इतने दिन से जो एक बड़ा झूठ बोलती आ रही थी अब उससे पर्दा हट गया है। और ये झूठ रिया ने क्यों बोला, इसी झूठ की बिना पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 302 का मुकदमा सीबीआई दर्ज कर सकती है, इसकी पूरी संभावनाएं अब नजर आ रही हैं।
क्योंकि इस तरीके का झूठ व्यक्ति तभी बोलता है जब कोई बहुत बड़ी बात को वो छुपाना चाहता हो, ऐसी बात जिसका पता चलने से उसके खिलाफ तमाम जांच और ज़्यादा तेज हो जाएगी या फिर वो जेल जाने के कगार पर पहुंच जाएगा। यही वजह रही कि रिया चक्रवर्ती बार बार शुरू से एक ही बात कह रही है कि वो 8 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को उसने ब्लॉक कर दिया था, कोई बातचीत सुशांत के साथ उसकी नहीं हुई थी। ये झूठ रिया क्यों बोल रही है और इस तथ्य को क्यों छुपा रही है, यही वो रहस्य है जिसको अब सीबीआई को खोलना है और इस रहस्य को खोलने में सीबीआई की मदद करने के लिए दो लोगों के नाम अब सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक है सिद्धार्थ पिठानी और दूसरा है नीरज सिंह। नीरज जो कि सुशांत सिंह राजपूत का कुक था और सिद्धार्थ पिठानी जो कि उनके फ्लैट में रहता था, ये दोनों व्यक्ति सरकारी गवाह बनने को राजी हो गए हैं। अगर इनमें से एक भी व्यक्ति सरकारी गवाह के तौर पर पूरी बात को खोल देता है तब निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और उनके साथ जुड़े हुए तमाम वो लोग जो इस पूरी साजिश में शामिल रहे हैं उनका जेल जाना और उनको सजा मिलना लगभग तय हो जाएगा। अब तक जैसे सिद्धार्थ पिठानी के बयान आए थे और नीरज सिंह से लेकर दीपेश सावंत तक, स्वयं मिरंडा तक जो बयान आए थे उनमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर सीबीआई को शक पैदा हुआ था, लेकिन जो नया खुलासा 13 जून वाला हुआ है उससे सीधे तौर पर शक की जो सुई है वो रिया चक्रवर्ती की तरफ जा रही है और रिया चक्रवर्ती ने अगर ये सच छुपाया है तो इसके पीछे ही वो साजिश का राज है जिसका राज खोलने के लिए सीबीआई लगी हुई है और जिस आज को जानने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। इसको लेकर श्वेता सिंह कीर्ति ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो 13 जून वाली बात है इसको छुपाकर रिया ने अपने पाप को छुपाने की कोशिश की है, अपने अपराध को छुपाने की कोशिश की है और इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे है। और जिस तरीके से एक नेता का नाम दोनों मौत के मामले में सामने आ रहा है, चाहे दिशा सालियान की मौत हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो, उसका भी जो संबंध है वो भी रिया से कड़ी पूछताछ के बाद ही बाहर आ सकता है और रिया से अब ये पूछताछ बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया सीबीआई इस मामले में एक बड़ा मामला, एक और बड़ी धारा लगाने जा रही है 302, इसके पीछे की वजह सामने आ चुकी है। एम्स की जो रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसमें भी कुछ कुछ इसी तरीके का इशारा हुआ है और इस बात को लेकर अब कई गवाह भी सामने आने लगे हैं। सिद्धार्थ पिठानी अगर गवाही देता है तो ये बहुत बड़ी गवाही होगी क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी उस दिन उस फ्लैट में था और सिद्धार्थ पिठानी ये बताएगा कि रिया क्यों मिलने आई थी और कितने बजे तक मिली थी रिया चक्रवर्ती। रिया ने जिस तरीके के आरोप, जिस तरीके से चरित्र हनन करने की कोशिश की है, रिया के वकील ने जो दूसरी अभिनेत्रियां एनसीबी के केस में पकड़ी गई थी उन लोगों से भी उसी तरीके के बयान दिलवाए और ये कहने की कोशिश की कि सुशांत सिंह राजपूत को नशा करने की बहुत बुरी लत लगी हुई थी जिसकी वजह से वो नशे में रहते थे और नशे की वजह से ही उन्होंने आत्महत्या की, ऐसा दावा इन लोगों ने अपने से किया और मीडिया के द्वारा भी इसी चीज़ को इन्होंने पीआर एजेंसियों के माध्यम से पूरे देश में फैलाने की कोशिश की थी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। आज तक जैसा बड़ा चैनल इस काम के लिए हायर किया गया, लेकिन इन सभी का जो झूठ है अब पूरी तरीके से खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और जिन गवाहों को इन लोगों ने बरगलाकर झूठे बयान देने के लिए मना लिया था, धीरे धीरे करके अब वो गवाह सच बोलने पर मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके सच पर ही ये निर्भर करता है कि रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती और इनके साथ के अन्य लोगों को कितनी सजा अब होने वाली है। सजा तो निश्चित तौर पर होगी क्योंकि रिया के ऊपर पहले ही एनसीबी का केस चल रहा है और एनसीबी के केस में 27A नाम की धारा लगी हुई है जिसमें कम से कम 10 साल की सजा है और अधिकतम इसमें 20 साल की सजा है। तो इस सजा से भी रिया बच नहीं सकती है और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत की सजा है वो भी रिया को मिलना लगभग अब तय माना जा रहा है क्योंकि दो जो मुख्य इसमें आरोपी हैं वो अगर सरकारी गवाह बन जाते हैं तब उस स्थिति में सारे राज खुल जाएंगे। जैसा कि ताला तोड़ने वाले ने भी कहा था कि जब वो ताला तोड़ने आया था तब उसे सारी चीजें संदिग्ध लग रही थी, उसे नहीं पता कि वो ताला जो तोड़ा गया था वो अंदर से बंद था या बाहर से बंद था।
और ऐसी स्थिति में अगर बाहर से बंद था तो उसकी चाबी इन लोगों के पास थी, उसके बावजूद इन्होंने एक नई कहानी गढ़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत ताला तोड़वाने का काम किया था। और अगर ताला तोड़वाने का काम किया था, इसका सीधा मतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी वो आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उनको मार कर लटकाया गया था। इसकी पूरी संभावनाएं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने जताई हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने भी यही कहा था कि जिस तरीके से एम्स के एक डॉक्टर ने फोटो देखने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी थी, उसमें यही कहा था कि इस व्यक्ति को मारा गया है, इसने आत्महत्या नहीं की है। इस तरीके की बातें तभी सामने आती हैं जब कुछ न कुछ उसमें स्पष्ट दिख रहा होता है। और जिस तरीके से कूपर अस्पताल की भूमिका सामने आई, कूपर अस्पताल में रिया चक्रवर्ती जाती है, ये सारी चीज़ों को जोड़कर अगर सीबीआई देख रही है तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अपराधी को सजा होना भी तय है। और जो लोग अपराधियों को बचाने का कुत्सित कृत्य कर रहे थे उनके चेहरों से भी नकाब हटेंगे, उनके चेहरे पर लगी हुई काली जो कालिख है वो पूरे देश को दिखेगी। जय हिंद, जय भारत।